हमारे दल के विधायक आनंद सिंह को एक तो गलत केस में जेल में रखे हुए है सरकार जानबूझकर, और एक दूसरी केस पर हत्या करने के साजिश में उनको फिर मुकदमा उन पर किया गया, जबकि एफआईआर में उनका नाम नहीं था और साजिशकर्ता में उनका नाम दिया गया है। ये सरकार की दिखाई दे रहा है कि सरकार सरासरी ढंग से आनंद सिंह पर पड़ी हुई है और उनको जेल से निकलने देना नहीं चाहती है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने अनंत सिंह को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से अनंत सिंह पर आरोप लगाया गया है, एफआईआर किया गया है हत्या के मामले में साजिशकर्ता के रूप में, और वहीं जिस तरह से भाई वीरेंद्र की बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लगातार अनंत सिंह पर जो सरकार है, पिछली बार निर्दोष थे और इस बार भी निर्दोष है। साथ ही साथ उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, कहा है कि अगर उच्च स्तरीय जांच की मांग को नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे, साथ ही साथ हमारे नेता तेजस्वी यादव भी सड़क पर और तमाम विधायकों के साथ नजर आएंगे। अगर सरकार उच्च स्तरीय जांच नहीं करती है तो आरजेडी जो है वो अनंत सिंह को लेकर बड़ा धरना देगी। और भी अपडेट्स देंगे बनेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार, आज आप लोग को बुलाए हैं एक राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता के हैसियत से। ऐसे तो ऑफिस में हमको करना था लेकिन यहाँ काफ़ी भीड़ जुट गई थी, इसलिए आप लोग को कष्ट दिया है अपने डेरा में करने का। अभी एक मामला आया है, संज्ञान आया है कि हमारे दल के विधायक आनंद सिंह को एक तो गलत केस में जेल में रखे हुए है सरकार जानबूझकर, और एक दूसरी केस पर हत्या करने के साजिश में उनको फिर मुकदमा उन पर किया गया, जबकि एफआईआर में उनका नाम नहीं था और साजिशकर्ता में उनका नाम दिया गया है। ये सरकार की दिखाई दे रहा है कि सरकार सरासरी ढंग से आनंद सिंह पर पड़ी हुई है और उनको जेल से निकलने देना नहीं चाहती है। आनंद सिंह को पिछले केस में भी जानबूझकर सरकार ने फंसाई है और कहीं न कहीं से सरकार इसमें संलिप्त है और सरकार नहीं चाहती है कि आनंद सिंह को न्याय मिले। और मैं मांग करता हूं कि इस केस में जहां आनंद सिंह को साजिशकर्ता में नाम दिया है, मैं उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करता हूं और आनंद सिंह इस मामले में निर्दोष हैं, पिछले केस में भी निर्दोष थे। और केस में क्या है मामला मैं नहीं जानता, लेकिन दो केस के बारे में वो एकदम निर्दोष हैं और उनको केवल सजा मिल रही है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ में बयान दिया था, और बयान दिया था आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पक्ष में और मुख्यमंत्री के खिलाफ में बयान दिया था, उससे इसीलिए उनको सजा दी जा रही है। और निश्चित रूप से इसमें बड़े नेता जो जदयू के और बीजेपी के हैं वो लोग लगे हुए हैं कि आनंद सिंह को निकलने देना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस केस को अगर आप चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी अलग हो जाए तो इस केस का उच्च स्तरीय जांच करें और आनंद सिंह को प्रताड़ित नहीं करें। अगर इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा तो हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग रोड पर उतरने इनका काम करेंगे। और इनके जो आका लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अपराध इतना बढ़ गया है, अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है बिहार में कि रोज हत्या का दौर चल रहा है। मेरे यहाँ कल बिहटा में हत्या हुई एक स्वर्ण व्यापारी का, और दिन दहाड़े लोग मार रहे हैं, आरसीपी टैक्स लेकर थाना प्रभारी का ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, पुलिस पदाधिकारियों का आरसीपी टैक्स लेकर और ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है।